हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैड स्टडीज में। पैड का मतलब है प्रैक्टिस, एक्सेस एंड डिलीवर। आज हम लोग जो है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल जो टॉपिक है, उसका आज हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में करने वाले हैं। इंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमन, यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स और केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल जो होता है, वो दो तरह का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है एनिमल में। एक जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है, वो होता है नर्वस कंट्रोल, जिसको हम लोग बोलते हैं नर्वस कंट्रोल या नर्वस सिस्टम होता है, एसोसिएटेड विथ न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स के जरिए या नर्व सेल्स के जरिए जो है नर्वस सिस्टम के जरिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। और दूसरा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, वो होता है इंडोक्राइन सिस्टम एसोसिएटेड विथ हॉर्मोन्स। और ये हॉर्मोन्स से कंट्रोल होता है। इंडोक्राइन सिस्टम जो होता है इज एसोसिएटेड विथ हॉर्मोन्स रिलीज्ड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड्स। और इंडोक्राइन ग्लैंड्स के जरिए जो है हॉर्मोन्स रिलीज होता है। उस हॉर्मोन के जरिए जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। तो आज हम लोग अपने वीडियो में केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, दैट इज इंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स को डिटेल में देखने वाले हैं। कौन कौन सा ग्लैंड जो हमारे बॉडी में पाया जाता है और उसका क्या रोल होता है हमारे बॉडी के फंक्शन में, बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग, दैट इज कॉल्ड इंडोक्राइन सिस्टम। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग, केमिकल कोऑर्डिनेशन जो ह्यूमन में हो रहा है, वो होता है हार्मोन के जरिए। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, इन आवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी में केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो आपका हार्मोन के जरिए हो रहा है। ये केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, दैट इज इंडोक्राइन सिस्टम। जिसको हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम को हार्मोनल सिस्टम भी कहते हैं, हार्मोनल सिस्टम। सबसे पहले जो है हम लोग हार्मोन को डिफाइन करते हैं। हार्मोन क्या है, व्हाट इज हार्मोन? तो हार्मोन क्या होता है? हार्मोन जो होता है, ये क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। हार्मोन इज ए केमिकल सबस्टांस, हार्मोन इज ए केमिकल सब्सटेंसेस which act as chemical messenger Messenger molecule in the body। ये केमिकल मैसेंजर का काम करता है। हार्मोन आर कॉल्ड केमिकल मैसेंजर, जो सूचनाएं को ले जा करके हमारे बॉडी में टारगेट साइट को हिट करके चेंजेस लाता है।
और वो परिवर्तन लाता है और हमारे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो ये एक तरह का मैसेंजर है, केमिकल मैसेंजर है, विच इज रिलीज बाई द वेरियस इंडोक्राइन ग्लैंड्स, दैट इज कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। उनको हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां। इंडोक्राइन ग्लैंड्स का काम है हार्मोन रिलीज करना। तो हमारे बॉडी में जो है बहुत सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, देयर आर वेरियस इंडोक्राइन ग्लैंड्स। यहां पर आप लिख सकते हैं कि हार्मोन्स आर रिलीज्ड बाय, दीज हार्मोन्स आर रिलीज्ड बाय वेरियस इंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी, ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी डायरेक्टली इनटू द ब्लड। इसीलिए इनको हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड या डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। इसमें कोई डक्ट नहीं होता है, कोई ट्यूब नहीं होता है। दे रिलीज दियर सिक्रीशन, यानी दे रिलीज दियर हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। वेरियस इंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ये डायरेक्टली जो है हमारे बॉडी में जो है ये ब्लड में अपना सिक्रीशन जो है सिक्रीट कर देता है, और ब्लड के जरिए ये पूरे बॉडी में फैल जाता है, रिलीव होता है। और जिस जगह इसको चेंज लाना है, जिस जगह का ये कंट्रोल करना है, हाइट बढ़ानी है तो हाइट को बढ़ाता है, और उसको वो स्टिमुलेट करता है, टारगेट साइट को हिट करता है। जहां पर जाकर को हिट करता है उसको हम टारगेट साइट कहते हैं। तो ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के जरिए फ्लो करता है, और इसीलिए इसमें विदाउट एनी ट्यूब होता है, इसलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड भी हम लोग बोलते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड्स के जरिए रिलीज होता है। अब हमारे बॉडी में कौन कौन इंडोक्राइन ग्लैंड्स है और क्या क्या हार्मोन निकालती है, उनको हम लोग एक एक करके देखते हैं। और इंडोक्राइन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, यानी इंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। हमारे बॉडी में जगह जगह लोकेशन है, उसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन LOCATION, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन वेरियस इंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर एज फॉलोज। वेरियस इंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी आर एज फॉलोज। कौन कौन ग्लैंड्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है उसको हम लोग बॉडी के लोकेशन के आधार पर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग की ब्रेन ऊपर से चलते हैं, हम लोग के ब्रेन में कौन कौन इंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहला जो ग्लैंड है वो है आपका हाइपोथैलेमस इज द फर्स्ट ग्लैंड। दूसरा है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड दैट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तीसरा जो है आपका पीनियल ग्लैंड। ये हमारे तीनों ग्लैंड जो है ये ब्रेन से रिलेटेड है, प्रेजेंट इन आवर ब्रेन। ये हमारे ब्रेन में है। उसके बाद ब्रेन से हम लोग नीचे आते हैं, हम लोग के गर्दन के पास जिसको हम लोग थ्रॉट बोलते हैं, गला, नेक रीजन में बहुत सारी ग्लैंड पाई जाती हैं। चौथा ग्लैंड जो है हमारा वो है थायरॉइड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है? थायरॉइड ग्लैंड है। उसके बाद पांचवा ग्लैंड जो है हमारा वो है पैराथायरॉइड ग्लैंड।
पैरा थायरॉयड ग्लैंड, और छठा जो है हमारा वो है थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। ये आपको थायरॉयड, पैराथायरॉयड और थाइमस ग्लैंड, ये नेक रीजन में, नेक रीजन, थ्रॉट के पास, गला के पास, और ये थोड़ा सा नीचे है, नीचे है थाइमस ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड का थोड़ा नीचे है, ये हमारे चेस्ट कैविटी में है थाइमस ग्लैंड। ये छह ग्लैंड हो गई। इसके बाद जो है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट जो है हम लोग बाकी एक एक करके लिख देते हैं। ये आपका यहीं पर हम लिख देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको तो आप देख लिए। बाकी जो है आपका हमारा जो ग्लैंड है थाइमस के बाद सातवां जो ग्लैंड है वो है हमारा पैनक्रियाज, पैनक्रियाज। ये बिलो स्टमक है, बिलो स्टमक, बिलो स्टमक। उसके बाद जो है आठवां हमारा है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, जिसको हम लोग बोलते हैं सुप्रा रीनल ग्लैंड, सुप्रा रीनल ग्लैंड भी इसका नाम है, क्योंकि ये दो ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड पेयर में होता है, पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड एबव किडनी, पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड एबव द किडनी, एबव द बोथ किडनी, दोनों तरफ जो होता है उसके सरफेस पर ऊपर जो होता है, इसलिए इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर होने के कारण इसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। इमरजेंसी ग्लैंड है ये, इमरजेंसी हार्मोन रिलीज करता है, एक करके हम लोग देखेंगे। पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड एबव द, पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड एबव द किडनी। उसके बाद जो है आपका नाइन्थ में जो है आपका गोनेट्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग गोनेट्स कहते हैं। गोनेट्स में आपका दो ग्लैंड है, एक है आपका टेस्टिस, दो टेस्टिस होता है इसलिए इसको टेस्टिस सिंगुलर को हम लोग लिखते हैं टेस्टिस, ऐसे सिंगुलर टेस्टिस, और दूसरा होता है आपका ओवरीज, ओवरीज। गोनेट्स में दो ग्लैंड है टेस्टिस और ओवरीज, इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, गोनेट्स को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, टेस्टिस और ओवरीज, ये दो ग्लैंड है जो हमारे गोनेट्स में पाया जाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पाया जाता है। तो ये टोटल हम लोग का जो है आपका नौ दस, दस ग्लैंड हो गया, आठवां गोनेट्स में, आठवां नौवां में टेस्टिस जाएगा, दसवां में ओवरीज हो जाएगा। इन सभी को एक एक करके हम इनका फंक्शन देखते हैं, कैसे ये बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करता है, कैसे ये केमिकल कोऑर्डिनेशन करता है हमारे बॉडी में। तो सबसे पहला ग्लैंड जो है वो आपका है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का तो हम लोग ब्रेन में बहुत सारा फंक्शन देखे कि हाइपोथैलेमस जो है आपका बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस जो है आपका हमारे हंगर को, हमारे थर्स्ट को, भूख प्यास को कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस जो है हमारे स्लीप को कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस जो है आपका सेक्सुअल ड्राइव को कंट्रोल करता है, बहुत सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये बहुत सारे हाइपोथैलेमस का जो है वो इस फंक्शन के अलावा जो है हाइपोथैलेमस का इंडोक्राइन यानी कि हार्मोन के भी ये रिलीज करता है और बहुत सारे ग्लैंड को ये कंट्रोल करता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये जो ग्लैंड है ये मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी को यही साइन देता है कि उसे कौन सा हार्मोन निकालना है और नहीं निकालना है और कब निकालना है और कब उसको निकालना बंद कर देना है। तो सबसे पहला जो है हम लोग का है वो है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को देखते हैं फर्स्ट वाला, एक एक करके इन सभी ग्लैंड को हम लोग देखते हैं, हाइपोथैलेमस का क्या काम है ये हम लोग देखते हैं। हाइपोथैलेमस एज ए इंडोक्राइन सिस्टम के रूप में, इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में, तो हाइपोथैलेमस जो है ये रिलीजिंग हार्मोन निकालता है विच कंट्रोल द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी। तो सबसे पहला वाला जो है हमारा है वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस
ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। अब बहुत सारा हार्मोन जो है, जैसे हम लोग देखेंगे कि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं निकालता, ये हाइपोथैलेमस निकालता है, और लेकिन निकाल करके दे देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो पिट्यूटरी ग्लैंड वो उसको रिलीज करता है, तो हमको लगता है कि ग्लैंड ये पिट्यूटरी ग्लैंड ही रिलीज कर रहा है, लेकिन हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स पिट्यूटरी ग्लैंड, कंट्रोल्स पिट्यूटरी। बाय ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को बाय रिलीजिंग हार्मोन, बाय रिलीजिंग हार्मोन उसको रिलीजिंग हार्मोन के बाय हार्मोन कंट्रोल्स पिट्यूटरी बाय हार्मोन कॉल्ड रिलीजिंग हार्मोन, उसको आरएच हार्मोन बोलते हैं। ये रिलीजिंग हार्मोन वो एक रिलीज करता है जिसको, जो एक्टिवेट करता है पिट्यूटरी को कि अब तुम अपना हार्मोन निकालो। उसके बाद ये जो है एक स्टॉप हार्मोन भी निकालता है एसएच, और फिर ये स्टॉप हार्मोन भी निकालता है स्टॉप हार्मोन कि अब पिट्यूटरी तुम अपना हार्मोन निकालना बंद कर दो, टू स्टॉप द हार्मोन ऑफ द पिट्यूटरी। तो ये हाइपोथैलेमस का रोल है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, आप यहां पर हम लोग देखेंगे कि करीब करीब 9 से 10 हार्मोन निकालता है, 9 हार्मोन निकालता है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पार्स डिस्टलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स पोस्टेरियर। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को 3 भाग में बांटा गया है, पार्स नर्वोसा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। दूसरा ग्लैंड जो हमारा आया था वो था पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ वेरियस ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये ब्रेन में है, पाया जाता है फोर ब्रेन में आगे के हिस्से में। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये रिलीज करता है हार्मोन, इट रिलीजेज द फॉलोइंग हार्मोन्स, इट रिलीजेज द फॉलोइंग हार्मोन्स, हार्मोन्स फ्रॉम इट्स थ्री पार्ट्स, फ्रॉम इट्स थ्री पार्ट्स, एंटेरियर, मिडिल एंड पोस्टेरियर, आगे का, बीच का और पीछे का भाग, पोस्टेरियर। एंटेरियर पिट्यूटरी यानी हॉर्मोन्स ऑफ एंटेरियर पिट्यूटरी, इसको आप लिख सकते हैं कि हॉर्मोन्स ऑफ एंटेरियर पिट्यूटरी, यहां लिख देते हैं हॉर्मोन्स ऑफ एंटेरियर पिट्यूटरी आगे के हिस्से में। हॉर्मोन्स ऑफ एंटेरियर पिट्यूटरी, एंटेरियर पिट्यूटरी से कौन कौन हार्मोन निकलता है, तो सबसे पहला जो हार्मोन निकलता है वो है ग्रोथ हार्मोन। क्या निकलता है, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जिसको हम लोग शॉर्ट में जीएच बोलते हैं। ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी, हाइट इंक्रीज करता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी।
दिस हॉर्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। इसके कमी से और हार्मोन का जो है सही मात्रा में नॉर्मल फंक्शन करना बहुत जरूरी है, नॉर्मल अमाउंट ऑफ हार्मोन का रिलीज होना बहुत जरूरी है। अब ग्रोथ हार्मोन जो है अगर बहुत ज्यादा निकल गया तो भी खराब है और बहुत कम निकल गया तो भी खराब है। तो ग्रोथ हार्मोन का कमी हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोसिक्रीशन। हाइपोसिक्रीशन लेस सिक्रीशन ऑफ जीएच ग्रोथ हार्मोन, लेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन को बोलेंगे हाइपोसिक्रीशन। और एक कंडीशन होता है हाइपर सिक्रीशन, लेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से कम सिक्रीट होना। और एक हो गया हाइपर सिक्रीशन, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, मोर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन जीएच देन नॉर्मल। तो हार्मोन का राइट मात्रा में सिक्रीट होना बहुत जरूरी है बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए, बॉडी के सही फंक्शन करने के लिए। अगर वो सही मात्रा राइट प्रोपोर्शन ऑफ हार्मोन एंड सही मात्रा में नॉर्मल जितना निकलना चाहिए उतना निकलना बहुत जरूरी है, तभी शरीर का सही विकास होता है। अगर बहुत ज्यादा निकलेगा तो भी प्रॉब्लम है। तो हाइपर सिक्रीशन में ज्यादा होगा, अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलता है तो एक बीमारी होगा, हाइपर सिक्रीशन ऑफ जीएच कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड जिगेंटिज। आदमी दैत्य की तरह लंबा हो जाता है, GIGANTISM जिगेंटिज बीमारी हो जाएगा और आदमी जो है वो दैत्य की तरह लंबा हो जाएगा। हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, मोर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, लेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, लेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड, आदमी का हाइट बहुत कम हो जाएगा, कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड ड्वार्फिज्म, बौनापन हो जाएगा, आदमी ड्वार्फिज्म का शिकार हो जाएगा, उसकी हाइट कम हो जाएगी और वो बौना हो जाएगा। तो ये पहला हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो रिलीज करता है, सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। अब दूसरा हार्मोन क्या निकालता है वो एक एक करके नाम हम बता देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आप नोट डाउन कर लेंगे और उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे और फंक्शन भी थोड़ा थोड़ा हम बताते जाएंगे। अब ये हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी में पहला हो गया ग्रोथ हार्मोन, तो ये नोट डाउन कर लिए होंगे। उसके बाद जो है दूसरा जो है, आखिरी तक बने रहिए, आखिरी तक पूरे वीडियो को देखिएगा और पूरे वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा। सारा इंडोक्राइन सिस्टम को जो है हम लोग करके देख लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन का लाभ उठा सके। चलिए हम लोग दूसरा जो है, आपको दूसरा जो पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन है, जो हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी निकालता है, वो है आपका TSH, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायरॉयड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और उससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलवाता है कि तुम थायरोक्सिन हार्मोन निकालो, इसीलिए मास्टर ग्लैंड है उसको कंट्रोल करता है। तो TSH भी निकालता है, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन व्हिच स्टिमुलेट्स द थायरॉयड ग्लैंड टू रिलीज द थायरोक्सिन हार्मोन। तो ये थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के अगले हिस्से से निकलता है, जिसको हम लोग TSH बोलते हैं। उसके बाद जो है आपका तीसरा जो है हार्मोन जो रिलीज होता है वो है आपका ACTH, एंटीकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ट्रॉपिक हार्मोन ये क्या करता है, ये एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन है पूरा, ये एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ये है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन ACTH। ये जो है आपका, ये एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, फॉर एड्रिनल ग्लैंड
और एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन निकलवाता है फॉर एड्रिनल, और ये था फॉर थायराइड, ये थायराइड को रेगुलेट करता है, इसीलिए मास्टर ग्लैंड इसको कहते हैं। उसके बाद चौथा जो है आपका ये निकालता है फॉलिकल, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको हम लोग बोलते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसका नाम है FSH। ये फॉलिकल रिलीज करता है ग्रेफियन फॉलिकल जो कि स्पर्मेटोगोनेसिस प्रोसेस में मदद करता है, यानी कि स्पर्म बनाने में, ये उसको भी रेगुलेट करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद पांचवा जो है आपका है LH, इसको शॉर्ट में बोलते हैं LH, ये है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये आपका। उसके बाद जो है छठा जो है आपका वो हार्मोन है आपका प्रोलैक्टिन, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये हेल्प्स इन मिल्क सिक्रीशन, हेल्प्स इन मिल्क सिक्रीशन फ्रॉम ब्रेस्ट, ये ब्रेस्ट फीडिंग में मदद करता है, हेल्प इन ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क सिक्रीट करवाएगा, ये ब्रेस्ट फीडिंग करवाने में ये मिल्क सिक्रीटिंग हार्मोन, हेल्प इन ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क सिक्रीशन करता है, मिल्क मतलब ये ब्रेस्ट फीडिंग, इसको आप क्या कहेंगे कि मेमोरी ग्लैंड को मेच्योर करता है और मेमोरी ग्लैंड को मतलब मेच्योरिटी लाता है, उसमें मिल्क सिक्रीशन लाइक वो बन जाएगा, उसका डेवलपमेंट करवाता है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन, मिल्क सिक्रीशन हार्मोन है, मिल्क सिक्रीटिंग हार्मोन इसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो ये छह हार्मोन जो है आपका इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बीच वाला भाग से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो बीच वाला भाग से हम लोग देखते हैं, ये बीच वाला भाग से कौन सा हार्मोन निकलता है इसका नाम हम लोग जान जाते हैं, एक ही हार्मोन बीच वाला भाग से निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये मिडिल पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी, हार्मोन रिलीज फ्रॉम मिडिल पार्ट, हार्मोन ऑफ मिडिल पिट्यूटरी, मिडिल पिट्यूटरी का कौन सा हार्मोन है, हार्मोन्स ऑफ मिडिल पिट्यूटरी, हार्मोन ऑफ मिडिल पिट्यूटरी एक हार्मोन है जिसका नाम है आपका मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसका क्या नाम है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग MSH, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं MSH, MSH बोलते हैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये इट रिलीजेज अ पिगमेंट कॉल्ड मेलानिन नाम का एक ये पिगमेंट निकालता है मेलानिन, विच कंट्रोल्स द स्किन कलर ऑफ द बॉडी, शरीर के हमारे स्किन का, बॉडी के स्किन कलर का, कोई फेयर है, कोई ब्लैक है, कोई डार्क है, विच कंट्रोल्स द स्किन कलर, जैसे चमेलियन रंग बदलता है मेलेनोसाइट, उसमें रंग बदलने वाला हार्मोन मेलानिन निकलता है, पिगमेंट हरा रंग बदल लेता है, बदल लेता है, तो कलर पिगमेंट के लिए, कलर पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका मेलानिन, इसका नाम है मेलानिन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये मिडिल पार्ट से पिट्यूटरी कंट्रोल द स्किन कलर ऑफ द बॉडी, ये हो गया। उसके बाद जो है हम लोग का जो अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलता है, उसमें है आपका एक है प्रोलैक्टिन और एक है वैसोप्रेसिन जिसको हम लोग एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से बहुत, इसीलिए मास्टर ग्लैंड इसको कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बहुत सारी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। ये हार्मोन ऑफ मिडिल पिट्यूटरी के बाद अभी आप कर दीजिए हार्मोन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पिछला पिट्यूटरी से कौन कौन हार्मोन निकलता है इसको आप देख लीजिए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो हार्मोन है, हार्मोन ऑफ, हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर
यहां पर बहुत ज्यादा हार्मोन है, इसमें दो हार्मोन है, तो हार्मोन्स ऑफ पोस्टेरियर पिट्यूटरी, पोस्टेरियर पिट्यूटरी का दो हार्मोन है, एक है आपका ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन जो है कॉल्ड लव हार्मोन, इसको बोलते हैं लव हार्मोन, ये कि व्यक्ति के साथ जो है बॉन्डिंग बनाने में मदद करता हार्मोन, विच हेल्प्स इन कॉल्ड लव हार्मोन, विच हेल्प्स इन बॉन्डिंग, विच हेल्प्स इन मेकिंग बॉन्डिंग, फिर आपको विच हेल्प्स इन मेकिंग बॉन्डिंग, किसी के साथ बॉन्डिंग बनता है इसमें मदद करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ के समय बच्चा जब जन्म लेता है, मदर का प्रेगनेंसी के बाद जब जन्म लेता है तो ये मस्कुलर पेन क्रिएट करता है, माँ को दर्द होता है और उसके दर्द होने के बाद जो है ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है मसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवा करके चाइल्ड बर्थ में मदद करता है, मसल्स पेन करवाता है, लेबर पेन करवाता है, कंट्रोल द बर्थ, इट ऑल्सो कंट्रोल्स चाइल्ड बर्थ, ये चाइल्ड बर्थ को कंट्रोल करता है। एंड मिल्क सिक्रीशन आफ्टर बर्थ, मिल्क सिक्रीशन आफ्टर बर्थ भी ये कंट्रोल करता है, बेबी को फीडिंग करने में मदद करता है, मिल्क सिक्रीशन आफ्टर बर्थ ये करवाता है। तो ये काम है आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन का, ये लव हार्मोन है कि लव बॉन्डिंग कराता है, पडल केमिकल्स भी इसको बोलते हैं, पडल केमिकल्स एक ऐसा केमिकल रिलीज करता है जो एक व्यक्ति के साथ जो है उसको बॉन्डिंग करने में बहुत सारे तालमेल बिठा करके, लव हार्मोन है ये, लव बॉन्डिंग को क्रिएट करवा करके वो उसको उसके साथ जो है लव और अफेक्शन को बढ़ाता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का ये रोल है। नेक्स्ट जो है आपका एक और हार्मोन यहां से निकलता है, उसका नाम है आपका वैसोप्रेसिन और एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ये बॉडी में वाटर बैलेंस को कंट्रोल करता है और किडनी को यही साइन देता है, ये हार्मोन रिलीज होकर के पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कि बॉडी में तुम वाटर बैलेंस को कंट्रोल करो और किडनी जो है वो ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस जो जितना जरूरी है बॉडी में वो वाटर को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और वाटर बैलेंस को मदद कराने में करता है, ये आपका एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। जो दूसरा हार्मोन है वो है आपका वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन को ही दूसरा नाम है हम लोग बोलते हैं ADH, ADH शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है एंटी ड्यूरेटिक, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है इसका फुल फॉर्म, ये एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन helps to control water balance, helps to control water balance in our body, water balance in our body, इसके माल फंक्शनिंग के कारण जो है हम लोग देखते हैं कि डायबिटीज जो है इन आवर बॉडी, और इसी के माल फंक्शनिंग के कारण जो है डायबिटीज इंसिपेडस नाम का बीमारी होता है, व्यक्ति को बार बार प्यास लगता है, उसको जो है बहुत ज्यादा यूरिनेशन होता है रात के समय में और वाटर लॉस हो जाता है बॉडी से, तो ये कंट्रोल करता है वाटर बैलेंस को ये वैसोप्रेसिन और एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। तो ये हम लोग देख लिए आपका जो है ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड, इसीलिए कहा गया इतने सारे हार्मोन जो इससे निकलते हैं। उसके बाद जो है हमारा जो ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो है इसका क्या काम है, थायराइड ग्लैंड जो है ये थायरोक्सिन हार्मोन निकालता है जैसा आप लोग जानते हैं, दूसरा जो ग्लैंड है हमारा वो है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का क्या काम है, ये थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करना, ये गला में पाया जाता है, थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन निकालता है, क्या कौन सा हार्मोन निकालता है, थायरोक्सिन हार्मोन, रिलीजेज थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन ये रिलीज करता है। थायरोक्सिन हार्मोन का फंक्शन क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन का फंक्शन क्या है, तो थायरोक्सिन हार्मोन का फंक्शन है आपको
ये कंट्रोल्स द थायरोक्सिन हार्मोन, कंट्रोल्स कार्बोहाइड्रेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करता है, फैट मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करता है, फैट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, जो कि बीएमआर होता है, यानी बासल मेटाबॉलिक रेट, बासल मेटाबॉलिक रेट को ये नियंत्रित करता है। ये थायरोक्सिन हार्मोन जो है थायराइड ग्लैंड के फंक्शन के लिए, बासल मेटाबॉलिक रेट, थायरोक्सिन हार्मोन के फंक्शन के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्स आयोडीन, रिक्वायर्स आयोडीन, ये इसको आयोडीन चाहिए, आयोडीन फॉर इट्स नॉर्मल फंक्शनिंग, नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए, मैंने सही कार्य करे इसके लिए जो है ये आयोडीन चाहिए, और आयोडीन की कमी हो जाएगी तो ग्वाइटर नाम का एक बीमारी होगा, गला फूल जाएगा, लैक ऑफ आयोडीन या डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, लैक ऑफ आयोडीन या लैक ऑफ थायरोक्सिन बोलिए, लैक ऑफ थायरोक्सिन, आयोडीन भी घटेगा तभी थायरोक्सिन भी कम निकलेगा, लैक ऑफ थायरोक्सिन कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड ग्वाइटर, घेंगा रोग जिसको हम लोग बोलते हैं, ये ग्वाइटर बीमारी हो जाता है, इनलार्जमेंट इन द नेक रीजन, गला के रीजन में जो है वो फूल जाता है, ग्वाइटर में क्या होता है, इनलार्जमेंट इन नेक रीजन, क्या होता है, इनलार्जमेंट इन नेक रीजन, ग्वाइटर में इनलार्जमेंट, खुल जाता है, स्वेलिंग इन द नेक रीजन, इनलार्जमेंट इन द नेक रीजन, गला के पास जो है वो फूल जाएगा, लटक जाएगा, और ये घेंगा एक बीमारी हो जाएगा। सो अ पर्सन इज एडवाइज, सो ए पर्सन इज एडवाइज टू टेक, सो ए पर्सन इज एडवाइज टू टेक आयोडाइज सॉल्ट, टू टेक आयोडाइज सॉल्ट, उसको आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, आयोडाइज सॉल्ट इन हिज डाइट फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, इन हिज डाइट फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, सो दैट द राइट अमाउंट ऑफ थायरोक्सिन कैन बी रिलीज्ड एंड द मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट कैन बी कंट्रोल्ड, और उसको गोइटर भी नहीं होगा, इसलिए उसको आयोडाइज नमक खाने की सलाह दी जाती है। चलिए ये हो गया आपका थायराइड ग्लैंड का, उसके बाद हम लोग का दूसरा ग्लैंड जो है वो है पीनियल ग्लैंड, तीसरा में आते हैं हम लोग ब्रेन के पास था पीनियल ग्लैंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड ये भी है, छोटा सा ग्लैंड है जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड का क्या काम है, पीनियल ग्लैंड जो होता है ये हमारे स्लीप और आपका वेकफुलनेस, यानी कि हम बायोलॉजिकल क्लॉक को ये कंट्रोल करता है, हम एक समय में जग जाते हैं फिर सो जाते हैं, तो हमारा एक निर्धारित समय होता है, हम उतना टाइम में अगर सोने का बनाते हैं तो हमको उतना टाइम में नींद ऑटोमेटिक आने लगती है, और हम अगर 4 बजे सोने का अपना आदत बनाते हैं तो उतना टाइम हम ऑटोमेटिक उठ जाएंगे, तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक जो है कार्सिडिनल साइकिल को, सिरसिडिनल साइकिल जिसको हम बोलते हैं, उसको ये कंट्रोल करता है, रिदम को कंट्रोल करता है। तो ये पीनियल ग्लैंड जो होता है उसका काम है, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड रिलीजेज, पीनियल ग्लैंड रिलीजेज अ हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन, ये मेलाटोनिन हार्मोन निकालता है, मेलाटोनिन हार्मोन निकालता है,
which controls the sleep यानी सोने का sleep and wakefulness rhythm cycle of our body also called circadian और बायोलॉजिकल क्लॉक, ये बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करता है। स्लीप वेक हम कब जगेंगे कब सोएंगे उसको ये कंट्रोल करता है। तो ये मेलाटोनिन के जरिए कंट्रोल करता है, ये पीनियल ग्लैंड का काम है, ये हमारे सेक्सुअल को भी मूड को भी हमारा थोड़ा ठीक करता है और ये इसी में इसका काम है। और ये बेसिकली स्लीप और वेक साइकिल को कंट्रोल करता है, हमारे जगने और उठने का समय को ये कंट्रोल करता है पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन निकाल करके। उसके बाद जो है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड तो कर लिए, पीनियल ग्लैंड भी कर लिए, उसके बाद जो है हमारा आता है हम नेक रीजन में, हम लोग थायराइड ग्लैंड को भी कर लिए, पीनियल ग्लैंड को भी कर लिए। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट में जो है हम लोग का वो है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है बहुत छोटा सा ग्लैंड है, लेकिन ये पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होता है ये टू पेयर ऑफ ग्लैंड्स बिहाइंड द थायरॉयड टू पेयर्स ऑफ ग्लैंड बिहाइंड द थायरॉयड ग्लैंड इन द नेक रीजन। नेक रीजन में ये पाया जाता है, इन द नेक रीजन। इसका अगर आप देखिएगा तो ये एक यहां और एक यहां, ये सामने थायराइड, इसके पीछे ये रहता है पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये दो पेयर है पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या निकालता है, इट रिलीजेज अ हार्मोन कॉल्ड पैराथॉर्मोन इसको बोलते हैं, एक हार्मोन निकालता है विच कंट्रोल्स कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेवल ऑफ ब्लड। कैल्शियम और फॉस्फोरस की मात्रा को ब्लड में ये कंट्रोल करता है पैराथॉर्मोन, समझ गए। तो उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है आपका पैराथॉर्मोन हो गया। अब एड्रिनल ग्लैंड है, इसके पहले पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज के बाद हमारा एड्रिनल है। तो पैराथायरॉयड के बाद देखते हैं पैनक्रियाज ग्लैंड। पैनक्रियाज का क्या काम है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लैंड है आपका पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो होता है ये मिक्स टाइप का ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है, मिक्स टाइप का ग्लैंड है पैनक्रियाज जो होता है, ड्यूअल ग्लैंड जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आपका है पैनक्रियाज जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, इट इज कॉल्ड ड्यूअल ग्लैंड मिक्स्ड ग्लैंड, दोनों तरफ का काम करता है मिक्स्ड ग्लैंड, या इसको एक और नाम बोलते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड।
क्या बोलते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, हेटेरो क्राइन ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड बिकॉज, क्यों बोलते हैं इसको ऐसा, हेट्रोक्राइन ग्लैंड बिकॉज, हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स और हेट्रोक्राइन ग्लैंड बिकॉज, बिकॉज इट बिहेव्स बोथ इंडोक्राइन, इंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह तरह व्यवहार करता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूअल ग्लैंड। अब पेनक्रियाज जो होता है, पेनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो आप जानते हैं कि उससे पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, वो एक एंजाइम निकालता है। पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट, एक्सोक्राइन पार्ट से क्या निकलता है, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज रिलीजेज ऑफ पैनक्रियाज रिलीजेज एंजाइम, रिलीजेज अ एंजाइम, रिलीजेज अ एंजाइम कॉल्ड पैनक्रिएटिक जूस। क्या निकालता है, पैनक्रिएटिक जूस निकालता है। इंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज इंडोक्राइन पार्ट हार्मोन निकालता है, इसीलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड, ड्यूअल ग्लैंड या ड्यूअल ग्लैंड, ड्यूअल ग्लैंड है, देख लीजिए स्पेलिंग इसका, ड्यूअल ग्लैंड ऐसे होता है। इंडोक्राइन, इंडोक्राइन पार्ट, इंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज, पैनक्रियाज रिलीजेज इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हार्मोन, दो हार्मोन ये निकालता है, ग्लूकागोन रिलीजेज इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हार्मोन, तो ये हार्मोन निकालेगा, ठीक है। अब ये कहां कहां से निकलता है पेनक्रियाज का इंडोक्राइन पार्ट जो होता है, तो पेनक्रियाज में एक भाग होता है आइजलैंड ऑफ लैंगरहैंस, जिसको हम लोग बोलते हैं आइजलैंड ऑफ लैंगरहैंस, में दो प्रकार के सेल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा सेल और बीटा सेल। पेनक्रियाज जो है, पेनक्रियाज का एक पार्ट है जिसका नाम है आइजलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइजलेट ऑफ लैंगरहैंस, एलईटी होगा, आइजलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइजलेट ऑफ लैंगरहैंस पार्ट से पेनक्रियाज जो है में दो सेल्स होते हैं। पेनक्रियाज हैज टू सेल्स, एक को बोलते हैं अल्फा सेल, अल्फा सेल, अल्फा ऐसे लिखते हैं अल्फा सेल, और एक को बोलते हैं हम लोग बीटा सेल। क्या बोलते हैं, बीटा सेल, ये हो गया बीटा सेल, बीटा ऐसे लिखते हैं, अल्फा बीटा गामा, बीटा सेल। अल्फा सेल से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है ग्लूकागोन, ये क्वेश्चन बहुत आता है। बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सीक्रेट्स इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागोन, और ये रिलीज करता है आपका बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज रिलीजेज इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों एक दूसरे का उल्टा काम करता है। इंसुलिन क्या करता है, कंट्रोल्स, कंट्रोल्स या आप कह सकते हैं डिक्रीजेज, ये डिक्रीजेज, डिक्रीजेज ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज
जिसको हम बोलते हैं सुगर लेवल, ये डिक्रीज करता है, डिक्रीजेज, इंसुलिन डिक्रीजेज, इंसुलिन डिक्रीजेज, ग्लूकोज सुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल यानी जो सुगर लेवल बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है, इंसुलिन डिक्रीजेज ग्लूकोज सुगर लेवल इन द ब्लड, इन ब्लड उसको नियंत्रित करता है, डिक्रीज करवा करके ग्लूकोज लेवल को, सुगर लेवल अगर बहुत ज्यादा आप सुगरी सबस्टांस खाए हैं बढ़ गया है तो उसको ये कम कर देगा। इंसुलिन हेल्प्स टू डिक्रीज ग्लूकोज लेवल और सुगर लेवल इन ब्लड। और ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लूकागोन इंक्रीजेज, अगर मान लीजिए कभी ऐसा भी होता है कि सुगर लेवल घट गया तो बोलता है रुको भाई हड़बड़ाओ नहीं, पैनक्रिया जो है वो ग्लूकागोन को रिलीज कर से रिलीज करवाता है, इंक्रीजेड सुगर लेवल, सुगर लेवल ग्लूकोज लेवल, सुगर लेवल इन ब्लड, एंटागोनिस्टिक है इसका उल्टा काम करता है। तो ये ग्लूकागोन का काम है। और इंसुलिन की कमी से बीमारी होता है, डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन causes a disease called diabetes. Deficiency of insulin या malfunctioning of pancreas causes a disease. Deficiency of insulin hormone, insulin की कमी से जो disease होता है lack of insulin causes or deficiency of insulin causes a disease called diabetes mellitus। इसमें जो है आपका डायबिटीज मेलाइटस होता है, शुगर का डिजीज, मधुमेह बीमारी, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलाइटस नाम का डिजीज होता है। नेक्स्ट ग्लैंड जो हम लोग को देखना है वो है आपका इमरजेंसी ग्लैंड, दैट इज द एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड को हम लोग सुप्रारिनल ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड जो है वो किडनी के ठीक ऊपर रहता है। Adrenal gland is called emergency gland which secretes the emergency gland इसको बोलते हैं which secretes the emergency hormone। Adrenal gland secretes emergency hormone called adrenaline। Adrenal gland secretes emergency hormone called adrenaline. This hormone is released at the time of emergency to cope out from the डेंजर सिचुएशन। जैसे मान लीजिए कि आपको हम कहीं जा रहे हैं और अचानक से कोई कुत्ता जो है हमको दौड़ा दिया तो हम जो है उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालते हैं, उस समय हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा जो है ब्लड का सप्लाई होने लगता है हमारे बॉडी में,
और हमारे अंदर एक बहुत ज़्यादा ताकत आती है और हम उस सिचुएशन से या तो भाग जाते हैं या उसका मतलब डटकर मुकाबला करते हैं, तो उस सिचुएशन से निकालने में हमको मदद करता है आपका इमरजेंसी ग्लैंड एड्रेनलिन, और डेंजर सिचुएशन से कोप आउट फ्रॉम द डेंजर सिचुएशन से हमको बाहर निकालता है। एड्रेनलिन ग्लैंड जो है वो हमको सिचुएशन से लड़ने में मदद करता है। एड्रेनलिन ग्लैंड से, एड्रेनल ग्लैंड से निकलने वाला जो एड्रेनलिन हार्मोन है, दिस हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड फाइट और फ्लाइट हार्मोन, लड़ो या उड़ो, फाइट और फ्लाइट हार्मोन, इसको हम लोग फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। या तो आपको सिचुएशन का मुकाबला करना है या तो आपको सिचुएशन से भाग जाना है, उड़ जाना है, लड़ो या उड़ो हार्मोन भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड जो हमारा है वो है गोनेट्स। गोनेट्स जो होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। मेल गोनेट्स और फीमेल गोनेट्स दो तरह का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मेल गोनेट्स और फीमेल गोनेट्स। गोनेट्स में को हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। गोनेट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गोनेट्स जो आपका दो प्रकार का है, एक है आपका मेल गोनेट्स को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, और दूसरा होता है आपका फीमेल गोनेट्स। फीमेल गोनेट्स को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। मेल गोनेट्स से रिलीज होता है, मेल गोनेट्स जो होता है में अ पेयर ऑफ टेस्टिस सिंगुलर जो होता है, टेस्टिस ऐसे लिखते हैं, दो टेस्टिस हमारा होता है अ पेयर ऑफ टेस्टिस, और फीमेल गोनेट्स में होता है अ पेयर ऑफ ओवरीज, दो ओवरीज होता है अ पेयर ऑफ ओवरीज। टेस्टिस जो रिलीज करता है वो हार्मोन रिलीज करता है। टेस्टिस रिलीज इज अ हार्मोन टेस्टिस रिलीजेज मेल सेक्स हार्मोन, कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन उसको बोलते हैं। मेल सेक्स हार्मोन को कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, और ओवरीज रिलीज करता है ओवरीज या पेयर ऑफ ओवरीज रिलीजेज अ पेयर ऑफ ओवरीज, फीमेल गोनेट्स अ पेयर ऑफ ओवरीज रिलीजेज अ पेयर ऑफ ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओवरीज रिलीजेज अ पेयर ऑफ ओवरीज रिलीजेज अ पेयर ऑफ ओवरी रिलीजेज अ पेयर ऑफ ओवरीज फीमेल गोनेट्स है, इट रिलीजेज फीमेल सेक्स हार्मोन जो दो है जिसका नाम है इस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है मेल सेक्स हार्मोन है, और ये मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को लाता है। टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल्स द चेंजेज
एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी यानी एडोलेसेंस के समय, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इन मेल, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी है इन मेल, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी कंट्रोल्स द चेंजेस एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल। जो आपका टेस्टोस्टेरोन है, ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को लाता है, प्यूबर्टी के समय होने वाले परिवर्तन को कंट्रोल करता है। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस में ये टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल, लाइक फेशियल हेयर अपीयरेंस ऑफ बियर्ड एंड मुस्टैच। चेहरे पर जो है आपको मुस्टैच एंड बियर्ड आ जाता है, फेशियल हेयर, लाइक फेशियल हेयर, डीपर वॉइस, हेयर्स ऑन आर्मपिट एंड प्यूबिक रीजन, ब्रॉडर शोल्डर इटीसी, ये सब जो होता है चेंज उसको कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म भी रिलीज करवाना ये शुरू कर देता है टेस्टोस्टेरोन जो है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो ये मेल में टेस्टोस्टेरोन का काम है, फीमेल हार्मोन फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, ये एस्ट्रोजन जो है, ये मेल एस्ट्रोजन कंट्रोल्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स, लाइक इंक्रीज इन ब्रेस्ट साइज, स्वीटर वॉइस इन फीमेल का आवाज जो है वो पतला हो जाता है, बहुत सुरीला हो जाता है, स्वीटर वॉइस, हेयर्स ऑन आर्मपिट एंड प्यूबिक रीजन डेवलपमेंट ऑफ बॉडी जो सेक्सुअल हेयर्स ऑन आर्मपिट एंड प्यूबिक रीजन में ये सब चेंजेस लाता है। द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कंट्रोल्स द प्रेगनेंसी, द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कंट्रोल्स द प्रेगनेंसी इन फीमेल,
द प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी के टाइम जो है आपको कंट्रोल करता है, द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कंट्रोल्स द प्रेगनेंसी इन फीमेल। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड का हम लोग इतना इस फंक्शन के बारे में देखे और ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को हम लोग यहाँ कंप्लीट किए। सो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कितना लंबा वीडियो बना दिया।